हेलो डियर स्टूडेंट, सेकंड लेक्चर फॉर ब्रांच अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। अब भी हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। सेकंड क्लास है आज ब्रांच की, और ब्रांच का हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार आप। इसमें क्या लिखा है, एक्स कंपनी हैज अ ब्रांच। एक्स कंपनी के पास एक ब्रांच है दिल्ली में। ठीक है, गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस। गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस एट कोस्ट प्लस 33 1/3%। 33 1/3%। फाइंड आउट प्रॉफिट। फाइंड आउट प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। ओके, एट द ब्रांच अकाउंटिंग टू डेटर सिस्टम। फर्स्ट मेथड मैंने जो आपको लिखवाया था वो क्या था, डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम से ही कैलकुलेट करना है। आपको कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं डेटर्स के, पेटी कैश के, फर्नीचर, स्टॉक, आईपी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, डेटर सिस्टम से कैलकुलेट करना है। इनवॉइस प्राइस पे है क्वेश्चन पूरा का पूरा। तो क्या क्या बताया था मैंने आपको, बताया था ब्रांच अकाउंट बनाना। ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स, ट्रांजैक्शन बिटवीन द हेड ऑफिस एंड ब्रांच, साथ में क्या चीजें थी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन बिटवीन द ब्रांच एंड हेड ऑफिस। ठीक है, तो इन चीजों को जितनी भी चीजें दे रखी है सारी चीजें पुट करते हैं एक बार ब्रांच अकाउंट में। ध्यान से देखो, अब इसको सबसे पहले बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। क्या बना रहे हैं हम, सबसे पहले एक ब्रांच अकाउंट। सेम वही टी सेप की अकाउंटिंग बनाओगे आप, रुपीज रुपीज, टॉपिक डाल दो इसका ब्रांच अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रांच अकाउंटिंग का क्या क्या था, एक बार और रीड करते हैं पूरा क्वेश्चन, फिर करते हैं इसको सॉल्व। एक्स कंपनी हैज अ ब्रांच एट दिल्ली। गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस एट कोस्ट प्लस 33 1/3%। फाइंड आउट द प्रॉफिट एट द ब्रांच अकॉर्डिंग टू द डेटर सिस्टम। सबसे पहला है ओपनिंग बैलेंसेस दे रखा है आपको। ओपनिंग बैलेंसेस में डेटर है, पैटी है, फर्नीचर है और स्टॉक है। कैश सेंड बाई हेड ऑफिस फॉर पैटी एक्सपेंस। कैश सेंड बाई हेड ऑफिस फॉर पैटी एक्सपेंस। कुछ कैश सेंड करा 2000 रुपये का। ब्रांच एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दे रखे हैं आपको। ब्रांच एक्सपेंसेस में फ्रेट है एंड एडवर्टाइजमेंट है, बैड डेट्स है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, पेटी एक्सपेंस है। ठीक है, जिस एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा उससे रिलेटेड एक्सपेंस आप ब्रांच अकाउंट में डेबिट नहीं करोगे, ये बात बताई थी मैंने आपको लास्ट। फिर सेल्स दे रखी है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पर सिर्फ कैश सेल्स डालनी है, क्योंकि कैश रेमिटेंस आता है ब्रांच अकाउंट में, ना कि सेल्स आता है, कैश रेमिटेंस आएगा। ठीक है, इसके बाद गुड्स रिटर्न बाई डेटर्स दे रखे हैं। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने कितना माल वापस करा हेड ऑफिस को। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। स्टॉक एट द एंड इनवॉइस प्राइस पे। स्टॉक तो बता दिया, ओपनिंग बैलेंस भी, क्लोजिंग बैलेंस भी, बट डेटर का बैलेंस नहीं बताया, तो आपको एक डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा साथ में। डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। गुड्स इनवॉइस बाई हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर 88,000। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ब्रांच अकाउंट में, सबसे पहले हम डालते हैं ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ऑफ एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या था हमारे पास, डेटर है, डेटर कितना था बताओ, डेटर था 10,000 रुपये का। पेटी कैश, पेटी कैश डाल दो। पेटी कैश कितना है हमारे पास, 1,000 रुपीज का। ठीक है, पेटी कैश डाल दिया। अगला फर्नीचर और स्टॉक, फर्नीचर एंड स्टॉक। फर्नीचर है हमारे पास 2,000 रुपये का और स्टॉक है 8,000 रुपये का। ओपनिंग बैलेंसेस हमने डाल दिए, टोटल कितना हो जाएगा ये, 10, 10, 20 और 1, 21,000। नेक्स्ट गुड्स एंड लास्ट में दे रखा था कितना, 88,000, वो भी डाल दो। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 88,000 के हमने गुड्स ट्रांसफर करे, राइट। कुछ हमारे खर्चे हो गए थे, एक्सपेंसेस दे रखे थे, फ्रेट एंड एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है, ये था 5,600। तो जो खर्चे होते हैं हम कैसे लिखते हैं, टू कैश, फ्रेट एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 5,600 के। इसके बाद हमारे पास क्या था, कैश सेंड बाई हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंस। कैश सेंड कितना करा था,
टू कैश सेंड, पेटी एक्सपेंस के लिए हेड ऑफिस ने पैसे दिए, जो हेड ऑफिस है अपनी ब्रांच को पैसे दे रहा है 2000 रुपये, किस लिए? पेटी के लिए। तो पेटी का कितना हो गया हमारे पास, देखो पहले था 1000, अभी है 2000, कितने रुपए? 2000, तो 3000 रुपये हो गए हमारे पास। अब देखते हैं पेटी कितना इन्होंने खर्च कर दिया, चेक करो, पेटी एक्सपेंस है 1500 रुपये। क्वेश्चन में एक्सपेंस गिवन है 1000 रुपये आपके पास पहले से, 2000 और आ गया, कितना हो गया 3000, 3000 में से 1500 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचे? बाई बैलेंस सीडी, जो पैसा बच गया वो डाल दो बैलेंस सीडी में, पेटी कैश, पेटी कैश कितना बच जाएगा, बचे हुए पैसे 1500 रुपये बच जाएंगे। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा कैलकुलेट कर लेंगे। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, क्वेश्चन में गिवन था स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड कितना गिवन है, 7800 गिवन है क्वेश्चन में, इनवॉइस प्राइस पे है ये, किस पे? इनवॉइस। इसका क्या करना है अभी देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या रह गया, आप एक्सपेंसेस डाल दिए, पेटी एक्सपेंस, सेल्स है, सेल्स, सेल्स नहीं लिखते यहां पर, हम लिखते हैं कैश रेमिटेंस, क्या लिखते हैं, कैश रेमिटेंस, कैश रेमिटेंस। कैश रेमिटेंस में दो चीजें आती हैं, कैश सेल्स एंड डेटर से जो कलेक्शन आई हो वो, कितना पैसा हम हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेंगे। तो कैश सेल से कितने रुपए आए हैं आपके पास, 50000 रुपए। कैश सेल से कितने रुपए आ गए आपके पास, 50000 रुपए, ठीक है, कैश सेल से आ गए 50000 रुपए। डेटर से कितनी कलेक्शन आई है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, एक डेटर अकाउंट बना लेते हैं साथ में, वर्किंग नोट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट पूरा लिखना आप, ब्रांच डेटर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10000। डेटर इंक्रीज होगा क्रेडिट सेल करने से, ठीक है, क्रेडिट सेल्स भी क्वेश्चन में गिवन है 36000 का, क्वेश्चन में गिवन है 36000 का। इसके बाद डेटर से कुछ कलेक्शन आई होगी बाई कैश, कुछ बैड डेट हो सकते हैं डेटर के, बैड डेट्स, बैड डेट्स भी गिवन है क्वेश्चन में, बैड डेट्स कितना है 50 रुपीज का। डेटर ने कुछ सेल्स रिटर्न कर दी थी वो भी डाल दो, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न गिवन है 800 रुपीज, गिवन कितना है 800। डेटर से कलेक्शन कितना आया ये भी आपको बताया हुआ है 20000 का, डेटर से जो कलेक्शन आया है वो कितना है 20000। टोटलिंग कर लेंगे बस, बैलेंस शीट आ जाएगा, कुछ नहीं है 36000, ठीक है 46। और चेक कर लो एक बार कुछ रहता है तो डेटर से, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बैलेंस सीडी निकाल दो, माइनस कर दो बाय बैलेंस सीडी, कैलकुलेटर पे माइनस कर देना है, ये आ जाएगा आपका 25150 रुपए, ठीक है 25150 रुपए। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो 25150 रुपए। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, फर्नीचर चेक करो, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया है 2000 और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन बताया क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन कितने रुपए गिवन है फर्नीचर के अंदर, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन चेक करो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर गिवन है 80 रुपीज का, तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 2000 में से 80 लेस कर दो 90-20, ठीक है। अब देखो क्या ट्रांजेक्शन रहती है, अब ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे है तो इसमें आपको ब्रांच स्टॉक का लोड निकाल के डालना पड़ेगा। लोड कैसे डालते हैं, देखो इस पे निकालना पड़ेगा, एक तो बाई स्टॉक रिजर्व, बाई स्टॉक रिजर्व, और जो गुड सेंड करे थे इस पे हम लिखते हैं, वर्ड यूज करते हैं लोड, एक ही बात है वैसे, ठीक है। और हेड ऑफ ब्रांच ने कुछ गुड्स वापस करे थे हेड ऑफिस को, गुड्स रिटर्न करे थे, कितने गुड्स रिटर्न करे थे 2000 के गुड्स रिटर्न करे थे, तो यहां पे लिखो बाई गुड्स सेंड, बाई गुड्स सेंड कितना था 2000, इस पे भी लोड निकलेगा, जहां जहां स्टॉक होगा वहां पे लोड आएगा टू लोड, ठीक है यहां पे डाल देंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका भी आएगा, क्या लिखेंगे हम स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या वर्ड यूज करोगे स्टॉक रिजर्व, गुड्स सेंड के लिए लोड, रिटर्न के लिए भी लोड, ये रिटर्न है, रिटर्न टू हेड ऑफिस, ठीक है रिटर्न टू हेड ऑफिस, टू स्टॉक रिजर्व। कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में लिखा था फर्स्ट लाइन में एक्स कंपनी हैज अ ब्रांच एट दिल्ली, एक ब्रांच है दिल्ली पे, ठीक है।
अब इन्होंने जो गुड्स भेजे 33⅓% पे भेजे, गुड्स कितने पे भेजे 33⅓% ऑफ कॉस्ट। 33⅓ को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ कॉस्ट, राइट। किसी चीज की कॉस्ट का 1/3 है तो सेल प्राइस का कितना होगा 1/4, यही होता है। सेम परसेंटेज में कैलकुलेशन इंक्लूड है तो क्या करना है 1 ऐड हो जाता है 1/4, तो बताओ इसमें कितना प्रॉफिट ऐड है 1/4। 8000 को डिवाइड करो 4 से 2000, कितना 2000। इसका मतलब कि इस गुड्स की कॉस्ट 6000 है, बट हमने लिखा कितना है 8000। अगर 6000 रुपए का 1/3 करोगे जब भी कितना आएगा 2000 आएगा, और 8000 का 1/4 करोगे तब भी कितना आएगा 2000 आएगा, सेम है। ऐसे ही गुड्स एंड का भी करो 88 का तो कितना आ जाएगा 22, 1/4। गुड्स रिटर्न का भी करो, रिटर्न कितना है 2000, इसका 1/4 करो 500। अब जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है 7800, इसका भी क्या कर दो 1/4, इसका भी क्या कर दो 1/4, कितना आ जाएगा 1950, ठीक है। ये कर दिया हमने टोटल। अब इसका टोटल लगाना है आपको, कुछ नहीं करना। इसका टोटल कितना है 36370, ओके 36370, ओके इसका टोटल कितना आ गया 36370। और कुछ रहता है टोटल करो इसका 132370, ओके इसका टोटल बताया 132370। अब इसमें से क्या करो, इन सबको माइनस कर दो, 132370 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ 13,320 रुपए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया डन ब्रांच अकाउंटिंग का आपका। मैंने पहला क्वेश्चन कराया विद इनवॉइस प्राइस वाला, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। 13,320 का आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसको गाइज नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ये तो लोड वाला हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं सिंपल, इसको नोट कर लेना, इमेज ले लेना, नेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रीड करो। एबीसी लिमिटेड इनवॉइस गुड्स एट कॉस्ट। एबीसी लिमिटेड जब गुड्स भेजती है अपनी ब्रांच को तो कैसे भेजती है, एट कॉस्ट, सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में द ब्रांच सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश। ब्रांच ने जो गुड्स बेचे हैं वो कैश में भी बेचे हैं और क्रेडिट में भी बेचे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कोलकाता ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। आपको क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या बनाना है आपको, फिर से एक बार, ब्रांच अकाउंट बनाना है प्रॉफिट और लॉस के लिए, ठीक है। क्या क्या चीजें दे रखी हैं देखो इस क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में है, गुड्स रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, गुड्स रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड है 25,400 रुपए का, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू एबीसी लिमिटेड है 350 का, ये कैश सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल्स, अलाउंस टू कस्टमर डेटर अकाउंट में चला जाएगा, जनरल ट्रेड चार्जेस गिवन है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, जो माल कस्टमर से रिटर्न हुआ कहाँ चला जाएगा, ये ब्रांच अकाउंट में, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, सॉरी ब्रांच डेटर अकाउंट में। इसके बाद बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर अब भी हमने सीखा था, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट, कैश रिसीव के बाद रेंट एंड रेट्स, वेजेस एंड सैलरीज, स्टॉक का बैलेंस आपको गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी, ठीक है। इसमें भी क्या बनाना है, एक ब्रांच अकाउंट बनाना है, कहाँ का, कोलकाता ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो पहले एक ड्रॉ करते हैं फॉर्मेट, फिर बनाते हैं इसको। ब्रांच अकाउंट, रुपीज एंड रुपीज, बताओ जी ओपनिंग बैलेंस क्या क्या गिवन था। ओपनिंग बैलेंस कुछ है, स्टॉक है ओपनिंग का लास्ट में दिया है 13,100, बस और कुछ नहीं है। क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी, स्टॉक का गिवन है 13,100 रुपए का स्टॉक गिवन है। अगला बताओ, ओपनिंग गुड्स एंड कितना करा था 25,400 रुपए, गुड्स एंड गिवन है,
टू गुड्स सेंट 25,400 ओके. नेक्स्ट गुड्स सेंट के बाद एक्सपेंसेस लिख देते हैं. पहले एक्सपेंसेस कितने हैं, टू कैश में लिखते हैं एक्सपेंस. जो भी एक्सपेंस है वो कॉपी कर लेना है. एक्सपेंस में क्या क्या है, जर्नल ट्रेड चार्जेस 650, जर्नल ट्रेड चार्जेस 650. नेक्स्ट 650 के बाद ये आएगा रेंट एंड रेट्स. यहां पर क्या आता है, और रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स कितना आ जाएगा ये 900. रेंट एंड रेट्स के बाद आता है वेजेस एंड सैलरी. जो कैश में आप पे करते हो सिर्फ वही लिखने हैं, वेजेस एंड सैलरी वगैरह. कितने रुपीस था वेजेस एंड सैलरीज, 3000 ओके. टोटल कर दो 4550. और देखो हमने जो पैसे, हमारे पास कैश रेमिटेंस, कैश रेमिटेंस की एंट्री डाल दो. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैश रेमिटेंस. कैश रेमिटेंस कहाँ से आएगा, कैश सेल से. और जो पैसा कहाँ से आया होगा, डेटर से. दो ही चीज़ें होती हैं, कैश सेल्स एंड डेटर. कैश सेल से कितना पैसा आया, 16,500 रुपये. कैश सेल से आया 16,500 रुपये. डेटर से कितना कलेक्शन आया था, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर 24,600. टोटल कर दो 41,100. ठीक है, टोटल कर दिया 41,100. गुड्स रिटर्न कितने करे थे हमने, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न था कुछ 350. गुड्स रिटर्न कितना था, ये रहा 350. क्या लिखना है लेकिन, गुड्स सेंट. हमें क्या लिखना है, गुड्स सेंट अकाउंट 350. फिर क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी. स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग भी गिवन है, 6950. चलो यहीं बाहर लिख देते हैं सीधे 6950. डेटर्स भी चेक कर लो. डेटर्स के लिए फिर से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट. डेटर में पहला ओपनिंग बैलेंस था नहीं, क्रेडिट सेल डालते हैं, टू क्रेडिट सेल्स. चेक करो क्रेडिट सेल्स कितने की थी, गिवन था 30,000. क्रेडिट सेल कितना गिवन है, 30,000. कुछ बैड डेट हो गया होगा, बैड डेट्स के अलावा अलाउंस दे दिए होंगे डेटर को कुछ, या डिस्काउंट दे दिया होगा, डेटर से पैसे मिल गए होंगे, बाई कैश कितना पैसा मिल गया, ये लिखा था हमने 24,600. ठीक है, अलाउंस बैड डेट्स चेक करो क्वेश्चंस में कितने हैं, ये सारी चीज़ें, अलाउंस होगा, बैड डेट्स होगा, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होंगी. अलाउंस कितना था, 150 डाल दो अलाउंस में. ठीक है, और सेल्स रिटर्न भी है 300 का, ओके सेल्स रिटर्न भी डाल देते हैं फिर, बाई सेल्स रिटर्न 350 रुपीज का. ठीक है, सॉरी सेल्स रिटर्न 300 का, 350 नहीं है, कितना है 300. ओके, नेक्स्ट बैड डेट्स कितने थे, बैड डेट्स भी गिवन है 300, और डिस्काउंट भी गिवन है, डिस्काउंट चेक करो 1200 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है. और कुछ है डेटर से रिलेटेड, और कुछ है नहीं है, तो टोटल कर दो. टोटल करूं इस साइड में तो यही है, माइनस करके बता दो कितना आएगा. बैलेंस सीडी 3450, बैलेंस सीडी आ गया. और बताओ कोई चीज छूट गई हो तो, पूरे क्वेश्चंस में कहीं से कुछ भी छूटा है तो बताओ. अब इसका टोटल कर लेंगे, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इसका टोटल कर लो कितना, ओके 51850 बताया एक बच्चे ने, 51,850 रुपये. बैलेंस सीडी कितना आएगा, मैं सॉरी बैलेंस सीडी कह रहा हूँ मैं, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 8800. ओके ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन दोनों डर, एक क्वेश्चन मैंने कराया आपको विद लोड, एक कराया सिंपल क्वेश्चन. तो ओपनिंग बैलेंसेस एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंसेस एसेट्स, ट्रांजेक्शन बिटवीन द हेड ऑफिस एंड ब्रांच. हेड ऑफिस ने सेंड कराओ चाहे कैश या गुड्स डेबिट में, ब्रांच ने सेंड कराओ गुड्स या कैश क्रेडिट में. ठीक है, डेटर अकाउंट नॉर्मल जैसा आप बनाते रहते हैं. ठीक है,
दिस टॉपिक इज डन, आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना आप, बाकी मैं क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्रू और प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, नोट कर लेना इसको।